ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है या फिर आपको पितृ दोष को दूर करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको दो चीज़ें छोटी सी लेनी है, एक तो गंगा जल और मिश्री के कुछ दाने लीजिएगा, छोटा सा उपाय करिएगा, जितने भी पितृदोष आपको लगे होंगे ना, वो सारे पितृदोष आप पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जितने भी उपाय इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, गुरु जी की जो बुक है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी बुक में पीछे के साइड में उपाय नंबर 9, 10, 11 और 12 की बात हम लोग करने वाले, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गंगा जल, दिख रहा है ना। तो हमें बस क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना, आपके घर में होंगी, उस कटोरी में गंगा जल को भर देना, ठीक है। गंगा जल को भर दिया, साथ ही साथ आपको लेने होंगे मिश्री के कुछ दाने। अब कहोगे भैया मिश्री लेना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, इस उपाय में मिश्री लेना ज़रूरी है, लेकिन गिनती नहीं करना है कि एक लें दो लें, नहीं, एक चुटकी मिश्री के दाने को लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा काली मिर्च भी, लेकिन इस उपाय में काली मिर्च खड़ी नहीं चाहिए, एक चुटकी काली मिर्च को उठाना, आपके घर में सिलबट्टे हो, मिक्सी हो, किसी भी चीज़ में पीस लेना, ठीक है। पीसने के बाद क्या करोगे, आपने जो कटोरी में गंगा जल को लिया था, इसी गंगा जल की कटोरी में मिश्री के दानों को डालना और इसी में मिक्स कर देना जो काली मिर्च आपने पीसी हुई है, ठीक है। मिक्स कर दिया, फिर इस कटोरी को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे, लेके जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। टाइम आपको याद होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना, फेस रखना अपना साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और अपने पितरों के देवता, पितृ देवता का क्या नाम है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अर्यमा का नाम लेकर के आपको वो पूरा का पूरा गंगा जल के साथ समर्पित कर देना है, ठीक है। लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, जब वो समर्पित करते हैं तो वो पीपल पेड़ की परिक्रमा करने लग जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। आप जब पितृपक्ष का उपाय कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे समर्पित किया, वो भी आपने 10 से 12 के बीच में, तो इसके बीच में कभी भी परिक्रमा नहीं की जाती है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। परिक्रमा हमेशा पीपल पेड़ की सुबह 10 बजे से पहले ही किया जाता है, उसके बाद नहीं करते, ठीक। चलो, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको करने से जो हमारे पितृ दोष होते हैं वो हमेशा के लिए दूर होते हैं और हमें कभी किसी पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले उपाय समझ में आ गए, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में पितृ दोष को दूर करने वाले अपने सबसे प्यारे, सबसे छोटे से उपाय की, जो कि दूसरा उपाय है ना। क्या करना होगा इसके लिए, हमें लेने होंगे इस तरीके से दूर्वा। दूर्वा कई तरीके की आती है, एक होती है सफेद दूर्वा, एक आती है पीली दूर्वा, एक आती है हरी दूर्वा, लेकिन हमें लेनी होगी हरी दूर्वा, वो भी 5, गिन करके 5 हरी दूर्वा लेना, ठीक है। ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। अब गंगा जल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच गंगा जल लेना है, फिर एक तांबे का लोटा लेना और इसी तांबे के लोटे में जो आपने गंगा जल जितना भी लिया है वो इसमें डाल देना है ना। बाकी आपके पास में सिर्फ 5 दूर्वा होंगी, वो 5 दूर्वा भी इसी कलश के अंदर डाल देना। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि क्रोध करता है, गुस्सा करता है, हमेशा बीमार रहता है, किसी भी रीज़न से मतलब बहुत टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस इंसान के हाथों से एक बार इस कलश को टच कराना, स्पर्श कराना। आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में पितरों का स्मरण करते हुए इस कलश को लेके घूम लेना, ठीक है। घूम लिया, फिर इस कलश को लेके जाना पीपल पेड़ के नीचे। टाइम आपको याद ही होगा, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के और पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है ना। इसको भी करने से हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा शांति बनी रहती है और पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, और माता लक्ष्मी की जो कमी होती है वो भी पूरी जरूर होती है, ठीक है। यानी कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि पितृ दोष इस उपाय को करने से हमेशा के लिए खत्म होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। जितने भी उपाय आपको बताऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस टाइम करो, पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी एक दिन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं इस उपाय में, इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको तब मैं बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 4000 लाइक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को, इस टारगेट को पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो,
अब चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक सफ़ेद कपड़ा है ना, तो आपके घर में अगर नया कपड़ा हो सफ़ेद तो बहुत अच्छी बात है, नया नहीं है तो कोई भी पुराना कपड़ा लेना, उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना, ठीक है। फटा हुआ ना हो, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। ले लिया, लेकिन वो कपड़ा सफ़ेद ही लेना, कोई और कलर का नहीं होना चाहिए। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च गिनती करके 21 काली मिर्च लेना, अगर गिनती नहीं करनी हो तो एक चुटकी काली मिर्च ले लेना, ठीक है, एक चुटकी काली मिर्च लेना। लेकिन इस काली मिर्च को पीसना नहीं है, फिर क्या करोगे, चाहे तो 21 दाने आपको काले तिल के लेने हैं, अगर 21 दाने नहीं ले सकते हो तो एक चुटकी उठाना, अब उस एक चुटकी में 21 आ जाए चाहे 210 आ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, है ना। इतनी सभी चीज़ों को लिया, जो सफ़ेद कपड़ा आपने लिया है उस सफ़ेद कपड़े पे ऊपर काली मिर्च को डालना और काले तिल को डाल देना, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को डाल दिया आपने। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, शायद मैंने फोटो लगा रखी है, हाँ एक आपको चीज़ और है, वो है जौ। 21 दाने हमें जौ के भी चाहिए, लेकिन आप एक चुटकी जौ को भी लेना, उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर रख करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना लेना। दो सफ़ेद कपड़ा बहुत बड़ा मत लेना, छोटे से छोटा सफ़ेद कपड़ा लेना, उसकी एक पोटली बनाना, ठीक है। पोटली बनाने के बाद कहाँ पर जाना होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है जो बह रही है, ठहरी हुई नदी नहीं, जो नदी बह रही है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, उस बहती नदी में आपको अपना फेस रखना साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा और उसको प्रवाहित कर देना। इससे क्या होता है, जो हमारे पितर होते हैं उनको अर्पण मिलता है और हमेशा वो तृप्त होते हैं, कभी हमें परेशान नहीं करते। पहली चीज़ तो ये। अब यहीं पे काफ़ी लोग परेशान होंगे, भैया हमारे घर के आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई नदी है, ना ही कोई तालाब है, हम क्या करें। तो आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पर आप जाएं, आपके घर के आसपास कोई वट का पेड़ हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बरगद का पेड़, वहाँ पे जाके डाल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर भी जा करके उस पोटली को रख सकते हैं। बस जब पीपल पेड़ पे करोगे या फिर वट पेड़ पे करना, तो टाइमिंग का ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही करोगे, इसके बाद या फिर इससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि पितरों का स्थान होता है 10 से 12 के बीच में, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना, फेस किधर रखोगे, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक। चलो तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने तीन उपाय की बात की, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय की, जो कि पितृदोष को दूर करने का बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं, भैया हमें आपसे बातें करनी है, कैसे हो पाएंगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपसे फ़ोन पर भी बातें करूँगा और मैसेज पर भी बातें करूँगा, जिससे आपकी जो समस्याएं होंगी वो भी दूर होंगी। कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि आप लोगों से बातें करूँ। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस चौथे उपाय की। एक्चुअली ये कोई उपाय नहीं है, बस एक तरीका है जो कि आपको फॉलो करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के दाने, तो ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी चावल, ठीक है। अब उस एक मुट्ठी में चाहे जितने आ जाए, एक मुट्ठी चावल लेना, और इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना है, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनको अपने घर पर खाने के लिए बुलाना। आपके यहाँ श्राद्ध पक्ष में पानी या दिया जाता है या पानी नहीं दिया जाता, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन किसी भी ब्राह्मण के परिवार को बुलाओगे, मतलब ब्राह्मण हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, सभी को बुलाना, ठीक है। जो भी आपसे बन पाता है, जितनी आपकी क्षमता है, उनको दान दक्षिणा करना, उनको अपने घर पे भोजन कराना। भोजन कराने के बाद यहां पर एक नियम फॉलो होता है, जब भोजन करने के बाद वो ब्राह्मण देवता पूरे परिवार के साथ आपके घर से बाहर जाने लगे, उनको पता ना चलने पाए, आपने जो एक मुट्ठी चावल लिया था आपको उन्हीं के पीछे उसको डाल देना है, उनके ऊपर मत फेंकने, गुस्सा हो जाएंगे वो, उनके ऊपर नहीं फेंकना। जब वो बाहर निकल जाएं, थोड़ी दूर तक चले जाएं, उसके बाद उस एक मुट्ठी चावल को फिर से उठाना और अपने घर के बाहर फेंक देना, और फेंकने के बाद तुरंत अपने घर के अंदर एंट्री लेना। इससे भी क्या होता है, जो पितृदोष होता है वो दूर होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको इस पूरी वीडियो में चार उपाय बताए हैं, और ये चार के चारों उपाय पूज्य गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ वीडियो को तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।